हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीआरआई। दोस्तों, अगर आप आइडेंटिफाई करके किसी क्वालिटी स्टॉक को अच्छे वैल्यूएशन पे खरीद लेते हो तो यकीन मानिए आप मार्केट में बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकोगे। देखिए, अगर आप किसी अच्छे स्टॉक को भी महंगे प्राइस पे खरीद लेते हो तो बहुत कम चांसेस है वो स्टॉक उधर से ऊपर ही जाएगा। अगर आप किसी महंगे स्टॉक को खरीदेंगे वो स्टॉक अच्छा खासा ऊपर से नीचे आ सकता है। बट अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप ज्यादा दिन उस स्टॉक को नीचे में होल्ड नहीं कर पाएगा। आपको डर लगेगा और चाहे कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, अल्टीमेटली आप उस स्टॉक को छोड़ के चले जाओगे। ठीक है दोस्तों, एक महंगा स्टॉक आपको इतना ज्यादा पेशेंस लॉस कर देगा कि आप उस स्टॉक को ज्यादा दिन नहीं रख पाओगे। लेकिन ठीक इसी जगह पर अगर किसी अच्छे स्टॉक को सस्ते वैल्यूएशन या अच्छे वैल्यूएशन में भी खरीद लेते हो, ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो स्टॉक अपने प्राइस से बहुत ज्यादा ऊपर चला जाए, क्योंकि वो स्टॉक अच्छा है और ऊपर से सस्ता वैल्यूएशन के अंदर ट्रेड करे। अगर आप अपने पैसे को 2-5 गुना करना चाहते हो तो डेफिनेटली अच्छे स्टॉक को अच्छे वैल्यूएशन पे खरीदना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ स्टॉक के बारे में आज हम बात करेंगे जो फंडामेंटल वाइज एंड फाइनेंशियल वाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्वालिटी स्टॉक है और ऊपर से ठीक ठाक वैल्यूएशन पे भी अभी मार्केट में चल रहा है। बहुत कम चांसेस है वो स्टॉक ज्यादा नीचे आएगा। नीचे आ सकता है मे बी, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं आएगा, और नीचे अगर आ भी जाता है तो ज्यादा दिन सस्टेन नहीं करेगा, उधर से बहुत क्विक रिकवर भी कर लेगा। तो ऐसे कुछ क्वालिटी स्टॉक के बारे में आज हम बात करेंगे जो आगे चल के इन्वेस्टर को कमाल का रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। सभी के सभी कंपनी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस करता है और ऊपर से तो क्वालिटी स्टॉक है। तो ये सारे कंपनी के बारे में तो डिटेल्स में एनालिसिस नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी कंपनी का फाइनेंशियल के ऊपर बात करेंगे और टेक्निकल के ऊपर बात करेंगे। वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। अगर पॉसिबल हो तो वीडियो को विदाउट स्किप एंड तक जरूर देखिएगा, एंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो का एक लाइक जरूर दीजिए। एंड अगर आप सही स्टॉक को सही टाइम पे आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं एवरी डे इस चैनल के ऊपर कोई ना कोई स्टॉक का एनालिसिस करता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ जो सही स्टॉक होता है सही प्राइस पे होता है। इसीलिए अगर प्राइस को छोड़ना नहीं चाहते तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। पहला स्टॉक का नाम है कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड। बहुत बढ़िया कंपनी, अपनी इंडस्ट्री का मार्केट लीडर आप कह सकते हैं कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड। कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड इन्वॉल्व डेवलपमेंट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कामकाज करता है, यानी ऑल काइंड्स ऑफ प्रिंटर मैन्युफैक्चरिंग करता है जो कि बहुत सारे इंडस्ट्री के लिए यूज होता है। कंपनी का प्रोडक्ट एफएमसीजी सेक्टर में यूज होता है, कंपनी का प्रोडक्ट हेल्थ केयर इंडस्ट्री में यूज होता है, फूड इंडस्ट्री में यूज होता है। कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड का प्रोडक्ट पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड मुझे लगता है इन फ्यूचर इन्वेस्टर को बहुत एक्सीलेंट रिटर्न बनाकर दे सकता है। ऊपर से कंपनी का फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ 1497 करोड़ का कंपनी है। देखिए कितना छोटा कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी है। दोस्तों, अगर इधर से मार्केट कैप 10,000 करोड़ भी चला जाए तो इन्वेस्टर का फंड ऑलमोस्ट 4-5 गुना तो हो ही जाएगा, आराम से हो जाएगा। 25.9 के मल्टीप्लाई पी पे चल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही डबल डिजिट पे चल रहा है। इस साल कंपनी ने 57 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट कर कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड। ईपीएस की बात करें, ईपीएस कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, 35.9 का ईपीएस चल रहा है। डेट कुछ है नहीं, 100% जीरो डेट कंपनी। बैलेंस शीट में 6 करोड़ का डेट दिखा रहा है, मैं फिर भी कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड को डेट फ्री कंपनी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02 चल रहा है, मतलब पूरी तरह से डेट फ्री कंपनी है। प्रोमोटर के पास 52% से ज्यादा का शेयर है, प्लेज्ड करके नहीं रखा है। रिटर्न ओवर द 3 इयर्स 53% और 5 साल का एवरेज रिटर्न 29.5%, मतलब दोनों रेशियो इधर में डबल डिजिट पे चल रहा है। रिटर्न का बारिश हो रहा है कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड, लॉन्ग टर्म रिटर्न बोलिए शॉर्ट टर्म रिटर्न बोलिए दोनों ही बढ़िया चल रहा है। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए दोनों ही डबल डिजिट पे चल रहा है, मतलब रॉकेट के स्पीड से कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड का बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है। साफ साफ इधर में क्लियर हो जाता है पास्ट सिचुएशन देख के कंपनी का। अभी तो जस्ट 931 रुपीज के अंदर शेयर प्राइस चल रहा है। अगर टेक्निकली बात किया जाए, देखिए प्राइस के अंदर तो आप मूव बना हुआ है, चार्ट देखिए एकदम ऊपर चल रहा है। दोस्तों ये तो मैं 5 साल की चार्ट आप लोगों को दिखाया, लेकिन दोस्तों इसी जगह पर अगर मैं पिछले 1 साल की चार्ट आप लोगों को दिखाऊं तो आपको अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा कि कंपनी का ट्रेंड किस तरह से अभी बना हुआ है। देखिए कंपनी का जो ट्रेंड है वो अभी जस्ट एक ही बॉक्स के अंदर चल रहा है, ठीक है, एक ही दायरे के अंदर घूम रहा है। 900 नीचे आ रहा है और ऊपर 1000 जा रहा है, ठीक है। अगर कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड का शेयर प्राइस 1000 को ब्रेक कर लेता है, ठीक है, ब्रेक करके ऊपर चलता है तो डेफिनेटली एक बाइंग जोन हो सकता है, मतलब 1000 के पार अगर चलता है
तो कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, फ्रेश एंट्री लिया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक का नाम है सैक्सॉफ्ट लिमिटेड, बहुत बढ़िया आईटी कंपनी है, अपनी क्वालिटी आईटी कंपनी सैक्सॉफ्ट लिमिटेड। सैक्सॉफ्ट लिमिटेड क्या काम काज करते हैं, एक्चुअली कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है मिड टायर कंपनी के लिए। बहुत बड़े बड़े कंपनी को सर्विस नहीं देता है, मीडियम रेंज कंपनी को पकड़ता है और आईटी सर्विस देता है। इसका डिमांड बहुत ज्यादा है क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा कंपनी मार्केट में बहुत कम है एज कंपेयर टू मिड रेंज कंपनी। ठीक है, कंपनी का फ्यूचर बहुत बढ़िया है और टेक्नोलॉजी सेक्टर तो ग्रो कर ही रहा है। कंपनी डाटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सभी के ऊपर कामकाज करता है। यूएस एंड यूके में कंपनी का बिजनेस फैला है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है। 1999 में कंपनी एस्टैब्लिश हुआ था। फ्यूचरिस्टिक बिजनेस करता है सैक्सॉफ्ट लिमिटेड, मुझे लगता है आगे इन्वेस्टर को बहुत एक्सीलेंट रिटर्न बनाकर दे सकता है। सिर्फ 3000 करोड़ का कंपनी है अभी। ठीक है, इधर से मार्केट कैप 15000 करोड़ भी जा सकते हैं, ये क्वालिटी है सैक्सॉफ्ट लिमिटेड में। 30 के मल्टीप्लाई पी पे चल रही है और इंडस्ट्री पी कितना, 36, मतलब इंडस्ट्री पी से सस्ता पी अभी सैक्सॉफ्ट लिमिटेड मार्केट में मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही देखिए डबल डिजिट पे चल रहा है, मतलब अच्छा रेशियो मेंटेन हो रही है। इस साल कंपनी ने 98 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी पोस्ट किया, कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबल कंपनी है। ईपीएस की बात करो 9.25 चल रहा है, डेट कुछ है नहीं, 12 करोड़ का सिर्फ डेट दिखा रहा है। सैक्सॉफ्ट लिमिटेड भी एक डेट फ्री कंपनी है क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 0.03 चल रहा है। प्रोमोटर के पास 66% से ज्यादा का शेयर है और कंटिन्यूअसली बढ़िया परसेंटेज से शेयर होल्ड कर रहा है। प्लेजिस्टी का कोई भी झंझट बिल्कुल भी नहीं है। 3 साल का रिटर्न देखिए 81.2% और 5 साल का रिटर्न 58.6%। दोस्तों सैक्सॉफ्ट लिमिटेड में भी रिटर्न का बारिश हो रहा है, चाहे वो शॉर्ट टर्म रिटर्न बोलिए लॉन्ग टर्म रिटर्न बोलिए। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए दोनों ही डबल डिजिट पे चल रहा है, मतलब बिजनेस तो बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है। साफ साफ क्लियर हो जाता है पास्ट बिजनेस का सिचुएशन देख के, फाइनेंशियल ग्रोथ देख के। 286 रुपीस के अंदर शेयर प्राइस अभी मार्केट में चल रहा है। अगर टेक्निकली बात किया जाए तो अपने लाइफ टाइम हाई से देखिए स्टॉक अच्छा खासा डिस्काउंट पे चल रहा है, 25% गिर चुका है अपने लाइफ टाइम हाई से सैक्सॉफ्ट लिमिटेड। सैक्सॉफ्ट लिमिटेड में थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है। आज वीडियो बना रहा हूं मतलब आप तुरंत जाके स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इस लेवल को अगर तोड़ देता है, ठीक है, ये जो लेवल है वो 300 का लेवल है, ये 300 का लेवल अगर तोड़ देता है तो डेफिनेटली एक ब्रेकआउट पे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। उससे पहले नहीं, 286 रुपीस के अंदर अभी ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की नाम बताओ, उससे पहले बोलना चाहूंगा अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में लिंक पिन कर दिया है इंडिया के नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर हाउस का। उस लिंक के थ्रू आप बिल्कुल ही फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो लाइफ टाइम के लिए आपको हमारी तरफ से इन्वेस्टमेंट गाइड बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। जो सर्विस को लेने के लिए लोग हजारों रुपया स्पेंड कर देते हैं, ये सर्विस आपको बिल्कुल फ्री में मिल सकता है। हम कहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे पोर्टफोलियो को हम किस तरह से रिबैलेंस कर रहे हैं, मार्केट आगे किस तरह से परफॉर्म करेगा, कौन से सेक्टर में टेलविंड चल रहा है, कौन से सेक्टर आगे अच्छा खासा परफॉर्म करेगा, ये आप जान पाएंगे। मतलब अभी कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा पैसा बनेगा ये आप जान पाएंगे। तो जल्दी जाइए लिंक को यूज करके फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। हाँ, अगर आप दूसरा डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करना चाहते अपने नाम पे, नो प्रॉब्लम, आपके फैमिली मेंबर के नाम से भी आप डीमैट अकाउंट ओपन करके ये सर्विस आप बिल्कुल फ्री में गेट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक का नाम है गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड, GNFC के नाम से भी कंपनी जाना जाता है। एक फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, नाम से ही पता लग जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर में कामकाज करता है। जीएनएफसी लिमिटेड गुजरात गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग कंपनी है, मतलब आप कह सकते हैं गुजरात गवर्नमेंट का कंपनी है गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड जीएनएफसी लिमिटेड। और गवर्नमेंट हमेशा फर्टिलाइजर सेक्टर को बूस्ट करता है, केमिकल फर्टिलाइजर सेक्टर को बूस्ट कर रहा है गवर्नमेंट, इसीलिए फ्यूचरिस्टिक बिजनेस लग रहा है गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर लिमिटेड का। आगे का इस कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है। सिर्फ 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, 14 के मल्टीप्लाई पी पे चल रही है और इंडस्ट्री पी देखिए जिस इंडस्ट्री में जीएनएफसी लिमिटेड काम कर रहा है 34.9 चल रहा है, मतलब इंडस्ट्री पी से आधे से भी कम कीमत में कंपनी का पी मार्केट में मिल रहा है। कितना सस्ता वैल्यूएशन पे ये स्टॉक मार्केट में चल रहा है और ऊपर से बढ़िया क्वालिटी स्टॉक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए दोनों ही डबल डिजिट पे चल रहा है। इस साल कंपनी ने 692 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया, कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबल कंपनी है। ईपीएस देखिए 44.9 चल, कितना बढ़िया ईपीएस में मिल रहा है देखिए, और ईपीएस कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। डेट कुछ है नहीं, 173 करोड़ का डेट दिखा रहा है, मैं फिर भी क्यों कुछ भी डेट नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 0.02,
मतलब गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड या जीएनएफसी एक जीरो डेट कंपनी आप कह सकते हैं। प्रोमोटर के पास 41% से ज्यादा का शेयर है, प्लेज्ड करके नहीं रखा है, रिटर्न के पिछले 3 साल का 30% और 5 साल का रिटर्न 16.9%। दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा रिटर्न आपको जीएनएफसी लिमिटेड में मिल जाएगा, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए डबल डिजिट पे चल रहा है, 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ तो माइंड ब्लोइंग इंटर मेंटेन हो रही है दोस्तों। मतलब जीएफसी लिमिटेड का बिजनेस जो है वो रॉकेट के स्पीड से ग्रो कर रहा है, साफ साफ डेटा देखिए पता लग जाता है, तो हवा में बातें बिल्कुल भी थ्रो नहीं कर रहा हूँ। 684 रुपीज के अंदर शेयर प्राइस अभी मार्केट में चल रहा है। टेक्निकली अगर बात किया जाए जीएफसी लिमिटेड का भी स्टॉक एक ही बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा है, एक ही दायरे के अंदर घूम रहा है, देखिए एक ही दायरे में घूम रहा है, स्टॉक जो है वो अभी के टाइम कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है 684 रुपीज में कंसोलिडेट कर रहा है एक मेजर ब्रेकआउट में, मतलब इस ब्रेक को अगर तोड़ देता है इस प्राइस को 770 के अगर पार चलता है तो डेफिनेटली गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, उससे पहले नहीं। दोस्तों ये था सारा स्टॉक जो अपने अपने क्षेत्र में स्ट्रॉन्गली प्रेजेंस बना के चल रहा है, सभी के सभी कंपनी क्वालिटी कंपनी है और फ्यूचरिस्टिक बिजनेस कर रहा है, जिस सेक्टर से सारा कंपनी लेकर है सारे सेक्टर आगे ग्रो करने वाला है। बट ये किसी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, मैं किसी भी स्टॉक के ऊपर डायरेक्ट रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए इस वीडियो को बनाया है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का डीप रिसर्च जरूर करें, मैं बोल रहा हूं मतलब मेरे बातों में आके सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर देंगे ऐसा बिल्कुल भी ना करें, किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्ट करके जो सेबी रजिस्टर्ड है उसके साथ कंसल्ट करके आप किसी भी स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। बट हाँ अगर आप किसी सही स्टॉक को सही टाइम पे सही प्राइस पे जानना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, मैं एवरी डे इस चैनल के ऊपर कोई ना कोई स्टॉक का वीडियो लेकर रहता हूँ जो सही स्टॉक होता है सही प्राइस पे होता है। अगर आप प्राइस को छोड़ना नहीं चाहते तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, फायदा आपका होने ही वाला है। जाते जाते बोलना चाहूंगा अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में लिंक पिन कर दिया है इंडिया के नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर हाउस का, उस लिंक के थ्रू आप बिल्कुल ही फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जाने शुरू कर सकते हैं। और अगर आप हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो लाइफ टाइम के लिए आपको हमारी तरफ से इन्वेस्टमेंट गाइड बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। जो सर्विस को लेने के लिए लोग हजारों रुपया स्पेंड कर देते हैं ये सर्विस आपको बिल्कुल फ्री में मिल सकता है। हम कहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे पोर्टफोलियो को किस तरह से रिबैलेंस कर रहे हैं, मार्केट आगे किस तरह से परफॉर्म करेगा, आगे कौन से सेक्टर में टेलविंड चल रहा है, कौन से सेक्टर आगे एक्सट्रीम लेवल पे परफॉर्म करेगा ये आप जान पाएंगे। तो जल्दी जाइए लिंक को यूज करके फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। हाँ अगर आप दूसरा डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करना चाहते, आपके पास अगर ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है तो दूसरा डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन नहीं करना चाहते नो प्रॉब्लम, आपके फैमिली मेंबर के नाम से भी आप डीमैट अकाउंट ओपन करके सर्विस आप बिल्कुल फ्री में गेट कर सकते हैं।